अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट नंबर 6, मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ के हवाले से। और इस एलिमेंट का 6.3 जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले मैनुअल हैंडलिंग पढ़ी, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स डिस्कस किए। अब जो मैनुअल हैंडलिंग में हमें चीज़ें मदद कर सकती हैं, मावन साबित हो सकती हैं, या मैकेनिकली क्या चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं, वो सारी की सारी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर रूटीन के लेक्चर से कुछ थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए प्रॉपर इससे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप शुरू से आखिर तक ये लेक्चर देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर डेवलप हो सके। लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट के लोड को अगर मैनुअल मैनुअल बॉडीली फोर्स से हैंडल करने की बजाय किसी मशीन, किसी टूल, किसी इक्विपमेंट से हैंडल किया जाए तो वो कैसे मुमकिन है और कौन कौन सी इक्विपमेंट इसके अंदर यूज हो सकती हैं। लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट, इसमें पहले नंबर पे आ गया केज प्लेटफॉर्म ट्रक, जो नॉर्मली आपने काफी जगह पे सुपरमार्ट्स वगैरह पे देखा होगा। इनका नाम तो ट्रक है, अगर आप इनको देखे बगैर इनका सिर्फ नाम देखें तो आपको आइडिया होगा जैसे ये वाकईतन बड़े लेवल पर इस्तेमाल होने वाले कोई ट्रक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे पे टू व्हील्ड प्लेटफॉर्म ट्रक, देन वी हैव पैलेट ट्रक। पैलेट ट्रक का मकसद जो होता है कि जमीन से चीजें उठा के उनको ऊपर किसी भी जगह रखने में मावन साबित होता है, और उसके बाद सैग ट्रक। अब इनके यूजेज क्या है, इनके हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं और इनके कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे। आगे हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स फॉर मैनुअली ऑपरेटेड लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट। मैनुअली ऑपरेटेड के लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको ऑपरेट जो किया जा रहा है वो अभी भी बॉडीली फोर्स पे किया जा रहा है। अभी तक बॉडीली फोर्स पे आपकी जो पुशिंग है या पुलिंग है वो इन्वॉल्व है, लेकिन जो उसको कैरी करना था या लिफ्ट करना था उसका जो काम है वो आपके जिम्मे से हट गया है। इसके हैजर्ड्स क्या हैं? मैनुअल हैंडलिंग रिस्क, बॉडीली फोर्स इज स्टिल नीडेड। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया, बॉडीली फोर्स इसके अंदर रिक्वायर्ड जरूर है, लेकिन एक्टिविटीज मेनली जो मैनुअल हैंडलिंग में आती हैं उन चार में से दो रह गई हैं। देन इंस्टेबिलिटी ऑफ द लोड माइट बी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम उसी से लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी इक्विपमेंट से लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो इंस्टेबिलिटी लोड की आ सकती है और लोड आपका स्लिप हो सकता है। देन मूविंग अप डाउन आर अक्रॉस स्लोप्स के आप उसको मूव करवाते हुए बजाय इसके कि आप स्लोप पे अप डाउन होने के बजाय उसको जब अक्रॉस स्लोप्स आप कट करने की कोशिश करेंगे तो ये ट्रक्स आपके उलट भी सकते हैं। पुअर पार्किंग, रस्ते वगैरह में कर दिया या किसी आपने स्लोप पे डलवान पे कर दिया जहां से फ्री फॉलिंग का खदशा या अंदेशा मौजूद है। अदर पेडिस्ट्रियंस में भी स्ट्रक, बाकी पैदल जैसे आप अक्सर देखते हैं कि अगर आपका ट्रॉली वगैरह पे ऊपर, इवन सबसे कॉमन एग्जांपल है कि आप एक सुपरमार्ट में जाएं, आपका ट्रॉली वगैरह के ऊपर कंट्रोल नहीं है या बच्चे उसको कर रहे हैं तो कई दफा वो साथ साइड पे लगे हुए स्टैग्स में लग जाता है या दूसरे गुजरने वालों से भी टकरा सकता है। ट्रैप फीट, ट्रैप फीट ये होता है कि कोई भी ऐसे इक्विपमेंट जब मूव कर रही हो तो आपका कंट्रोल ना होने की वजह से आपके पाँव उसके बीच में आ जाए, मतलब पाँव पूरी तरह से ना भी आए, कुछ हिस्सा पाँव का आ जाए जिसकी वजह से आप लड़खड़ा के गिर सकते हैं, तो ये ट्रैप फीट में आएगा। ट्रैप पर्सन बीइंग हैंडल्ड, ठीक हो गया, और इस तरह के ये मसाइल आपको सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स फॉर मैनुअली ऑपरेटेड लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब हम बात करते हैं इन कंट्रोल्स की, कि इन ट्रक्स को, इन सैग ट्रक्स को, इन केज ट्रक्स को या आपके पैलेट ट्रक्स को हम किस तरह से सेफ यूजेज के साथ, सेफ यूजेज उनका कर सकते हैं, उनको किस तरह से महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
पहला कंट्रोलर ट्रेन्ड वर्कर्स ओनली, कि इनको जो लोग ऑपरेट करें। यहाँ पे तो सिर्फ बात मैंने की थी आपसे सुपरमार्ट की, लेकिन जब आप वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद होते हैं तो इवन इस केज के अंदर, इस फोकलिफ्ट के अंदर आपका कोई केमिकल भी हो सकता है जिसके टकराने की वजह से ज्यादा बड़े पैमाने पर या ज्यादा स्वेयर कंसिक्वेंसेस का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसको हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो हमेशा इस्तेमाल में लाएंगे। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन, और जिस तरह मैन्युफैक्चरर ने बताया, बनाने वाले ने बताया, इसके अंदर कितना लोड रखना है, इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, और किस किस एरिया में या किस इन्वायरमेंट में ये काबिले इस्तेमाल है, तो वो आप मलूजे खातिर लाजमन रखेंगे। अवॉइड अनइवन ग्राउंड एंड स्लोप्स, के गैर जो आपके जो अम्वार हैं ग्राउंड या स्लोप्स हैं, उनके ऊपर आपने ढलवान के ऊपर इनको चलाने से इजतनाब करना है, या अगर बहुत भी जरूरी हो तो फिर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें। यूज रैम्प्स अवर स्टेप, रैम्प्स आपका बेसिकली एक फ्री स्लाइड बन जाती है स्टेप्स के ऊपर, जिसमें ये इजीली इसके जो है मूव कर सकते हैं। सेफ वर्किंग लोड, सिक्योरिंग द लोड। सेफ वर्किंग लोड जितना मैन्युफैक्चरर ने बताया या जितनी कैपेसिटी है उतना ही लोड उसके ऊपर डाला जाए। सिक्योरिंग द लोड में क्या होगा, आपने जो लोड मौजूद है उसको सिक्योर भी करना है, और सिक्योर करने के क्या तरीके होते हैं, तो सिक्योर करने के लिए आप जहां पे मुमकिन समझे उस लोड को बांध दें। उस लोड को बांधने से क्या होगा कि आपका जो लोड है वो जब भी आपका ये मूव होगा तो वो लोड आपका दाएं बाएं नहीं जाएगा। यूज द ब्रेक्स इफ फिटेड, ब्रेक्स वगैरह इनमें नॉर्मली फिटेड होना मुश्किल है, आपका मैनुअल ऑपरेट होता है तो ज्यादातर मैनुअली ही इसको कंट्रोल किया जाता है। केयर व्हेन मूविंग और लोअरिंग द लोड, जब लोड आप मूव कर रहे हैं या उतार रहे हैं, तो इस दौरान आप पूरा उसका ख्याल रखेंगे कि आपसे ये ना हो कि आपने हैंडल तो कर दिया इक्विपमेंट से, आपने हैंडलिंग इक्विपमेंट से लोड को हैंडल कर लिया, लेकिन उतारते हुए आपसे वो स्लिप हो गया, या तो उसमें आपने लिफ्टिंग टेक्निक्स वही यूज करनी है जो हम पहले मैनुअल हैंडलिंग में डिस्कस कर चुके हैं। सेफ पार्किंग एंड स्टोरी, रूटीन इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस जो कि लाजमी जुज है किसी भी इक्विपमेंट का। सेफ्टी शूज, शूज आर बूट्स, ये आप लाजमन पहनेंगे क्योंकि माइट बी पॉसिबिलिटी आप इसके अंदर इस तरह के किसी ट्रक के अंदर स्टोन वर्क कर रहे हैं, स्टोन जो है पत्थर बड़े बड़े उठा के दाएं बाएं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो अगर आपकी ट्रॉली उलट जाती है या ये हैंडलिंग इक्विपमेंट उलट जाती है, तो कहीं आपके पाँव वगैरह कुचले ना जाए। तो इसलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने लाजमन जो है वो इस्तेमाल करनी है। पीपल हॉइस्ट एंड हैंडलिंग एड्स, पीपल हॉइस्ट से मुराद ज्यादातर वो लोग जो किसी डिसेबिलिटी की वजह से या पेशेंट होने की वजह से मूव नहीं कर सकते इजीली, तो उनको मूव कराने के लिए या उनको हैंडल करने के लिए जो एड्स यूज होंगी वो पीपल हॉइस्ट एंड हैंडलिंग एड्स में आएंगी। अब पेशेंट हॉइस्ट में जो चीज आएगी वो है यूज फॉर मूविंग पीपल। अब इसका पर्पज ये है कि जो डिसेबल हैं, जो इंजर्ड हैं या अवरेज होने की वजह से पेशेंट हैं, या किसी भी वजह से किसी भी रीजन से पेशेंट हैं, तो उनको हम इजीली दाएं बाएं कैसे मूव कर सकते हैं। अब जी कैन बी मैनुअल आर पावर्ड, मैनुअल भी हो सकता है और पावर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक पावर वगैरह से आप उसको अप डाउन और अपनी पोजीशन मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। कैन बी मोबाइल आर फिक्स्ड, और फिक्स्ड भी हो सकता है, और मोबाइल इस तरह से कि आप उसी के जरिए पेशेंट को मूव कर सकें इजीली उसकी ट्रीटमेंट के लिए। कंसीडर द एनवायरमेंट, डिफिकल्ट टू पुश ऑन कारपेट। हाँ, ये आपने कुछ चीजें देखनी है कि हर चीज हर एनवायरमेंट के लिए फिट इन नहीं होती, तो वो कारपेट की वजह से आपको डिफिकल्ट हो सकता है पुश करने के लिए, तो उसके लिए फिर आप देखेंगे प्रॉपर व्हील्स हो जो उस कारपेट के ऊपर प्रॉपरली मूव हो सके। रेगुलर इंस्पेक्शन नीडेड, जितना भी आपका ऐसा हैंडलिंग एड होता है, मशीनरी होगी, इक्विपमेंट, इवन ऐसी हैंडलिंग एड जो पीपल के लिए है, हॉइस्ट है पीपल के लिए या इक्विपमेंट के लिए है, तो दोनों सूरतों में उनकी इंस्पेक्शन जरूरी है। याद रखिएगा हमेशा जो आपकी ह्यूमंस हैंडलिंग एड्स होती हैं इनकी
आपकी जो ह्यूमन एंड हैंडलिंग एड्स होती हैं इनकी हमेशा से इंस्पेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत आपके जो इक्विपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर आती है स्मॉल हैंडलिंग एड्स में पेशेंट के लिए क्या स्लाइड शीट्स एंड ट्रांसफर बोर्ड स्लाइड पेशेंट फ्रॉम ट्रॉली टू बेड। स्लाइड शीट्स एंड ट्रांसफर बोर्ड वो इस्तेमाल करते हैं कि ट्रॉली वगैरह में लेके गए। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि अक्सर पेशेंट है उसको एक्सरे के लिए या किसी और टेस्ट के लिए या किसी और चेकअप के लिए ले जाया जाता है तो उसको बेड से मूव करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में ट्रांसफर बोर्ड स्लाइड पेशेंट से ट्रॉली टू बेड ट्रांसफर किए जाते हैं। अवॉइड लिफ्टिंग द पर्सन, और आप अवॉइड करेंगे कि पर्सन को लिफ्ट किया जाए क्योंकि अगर वो ऑलरेडी पेन में है तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। व्हील चेयर कैन बी पावर्ड टॉप मस्ट मोस्ट आर पुश्ड, पावर थ्रो टॉप भी होती हैं लेकिन पावर थ्रो के अलावा मोस्ट आर पुश्ड के मतलब पावर वाली भी होगी जिसमें आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक पावर या चार्जिंग के ऊपर वो चलेंगी, लेकिन ज्यादातर जो व्हील चेयर होती हैं वो पुश के पैटर्न पे ही होती हैं। नेक्स्ट जी, व्हाट एक्सीडेंट कुड अकर विद द यूज ऑफ अ फोकलिफ्ट ट्रक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FLT बोलते हैं। फोकलिफ्ट ट्रक इसलिए इसके बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं या इसके बारे में इतनी डिटेल में पढ़ने का मकसद ये है, ये नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होने वाला हैंडलिंग एड है। ये आपका हैंडलिंग एड जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है किसी भी वर्क प्लेस के अंदर। आपको एक नॉर्मल एवरी रेंज का लोड उठाने में मावन साबित होती है ये। वेयर हाउस से लेके आपकी हर फील्ड के अंदर ये इस्तेमाल होती है। इसलिए इसके जो हैजर्ड्स हैं कंट्रोल मेजर्स हैं वो हम बड़ी डिटेल से देखेंगे। सबसे पहला हैजर्ड क्या है, अवर टर्न ऑफ द ट्रक। अवर टर्न ऑफ द ट्रक का क्या होता है कि आपका ट्रक लोड की वजह से उलट गया है। ठीक है, आपका ट्रक उलट गया है लोड ज्यादा होने की वजह से या लोड प्रॉपर ना होने की वजह से। फॉल ऑफ द लोड, लोड गिर सकता है उसके ऊपर से। स्ट्राइकिंग पेडिस्टियन, और लोड अगर आपने उठा के चल रहे हैं तो माइट बी पॉसिबिलिटी है ब्रेकिंग या किसी भी वजह से लोड जो है वो पेडिस्टियन से टकरा सकता है। फॉल आर इंट्रैपमेंट ऑफ पर्सन राइडिंग ऑन फॉक्स। अब क्या होगा कि जो इसके अपना लोड पड़ा हुआ है वो इसके फोक से गिर सकता है। या इंट्रैपमेंट ऑफ पर्सन मतलब वो फोक जो है वो अगर आप लोअर करके चल रहे हैं तो बंदा उसके बीच में आ सकता है, उसके अंदर उलझ सकता है और गिर सकता है। फॉल फ्रॉम लोडिंग डॉक। लोडिंग डॉक क्या होगी कि जिस जगह से आपके इसने लोड को आपने लोड अनलोड करना है तो उस जगह से अगर आपका जो लोड है वही नीचे आ जाए और कोई इंडिविजुअल आ जाए या कोई वर्कर इसके नीचे, तो उस सूरत में भी ये हमारे लिए नुकसानदेह है। फोकलिफ्ट ट्रक्स के अंदर प्रिकॉशंस क्या हैं? नंबर वन, रिस्ट्रिक्टिंग यूज। आप इसका यूज जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन जो हैं वही इसको चलाएं, वही इसको ऑपरेट करें। विजुअल इंस्पेक्शन बिफोर यूज, और आप उसको इस्तेमाल से पहले एक विजुअल एक जाहिरी आंख से अपना देख लेंगे। ओवरऑल आप देख लेंगे कि इसके टायर का प्रेशर क्या है, ब्रेक वगैरह काम कर रही है, इन सब चीजों को आप देख लेंगे। यूजिंग प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म टू लिफ्ट पीपल, तो उसके अलावा सिक्योर एंड स्टेबल लोड। वहां पे अगर लोड मौजूद है एक तो उसको स्टेबल कर लें, दूसरा उसको सिक्योर उसको बांध लें। उसको बांधने का पर्पस क्या होगा कि वो लोड वगैरह ना गिरे। सेफ वर्किंग लोड लिमिट्स नॉट एक्सीडेड। सेफ वर्किंग लोड लिमिट्स नॉट एक्सीडेड में क्या होगा कि उस जो भी फोकलिफ्ट ट्रक होगा उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर ने ये चीज मेंशन की होगी कि इसका सेफ वर्किंग लोड SWL क्या है, उससे ऊपर आप किसी भी सूरत लोड उसके ऊपर नहीं डालेंगे। स्पीड लिमिट्स कि कितनी स्पीड में आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। नेवर ट्रेवलिंग विद द फोक्स रेज, कभी भी आप फोक रेज के साथ ट्रेवल उसके अंदर नहीं करेंगे। नेवर ट्रेवलिंग विद ऑब्स्ट्रक्टेड विजन। ऑब्स्ट्रक्टेड विजन क्या है कि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपने लोड को उस लेवल तक फोक लेके गए हैं कि लोड की वजह से आपको सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चीजें आपके सामने दिखाई नहीं दे रही, तो इसको ये जो ऑब्स्ट्रक्टेड विजन के आप साथ चलेंगे
इन ऑब्स्ट्रक्टेड विजन के साथ आप इसको ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी भी बड़े एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। नेक्स्ट, बैटरी पावर ट्रक। बैटरी पावर ट्रक्स वो होते हैं जिनके अंदर बैटरी यूज की जाती है फॉर द सोर्स ऑफ पावर टू ड्राइव द फोकलिफ्ट ट्रक। हैजर्ड्स के एक्सप्लोजन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस वाइल चार्जिंग, क्रोसिव एसिड यूज होता है, मैनुअल हैंडलिंग, आर्किंग शॉक बर्न ऑफ फायर, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जब बैटरी डिस्पोज ऑफ होगी, डिस्पोजल होगा तो उस दौरान जो उससे उसको डिस्पोज करते हुए गैसेस रिलीज होंगी तो वो एन्वायरमेंट के अंदर बुरे असरात डाल सकती हैं। प्रिकॉशंस क्या है? चार्ज बैटरीज इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज, ऐसी जगह पे बैटरी चार्ज करें जहां पे प्रॉपरली वेंटिलेशन हो ताकि हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज ना हो। नो इग्निशन सोर्सेज, उस दौरान कोई भी ऐसा सोर्स ना हो जिससे आग लगने का अंदेशा हो। यूज पीपी व्हेन हैंडलिंग एसिड, मैकेनाइज बैटरी हैंडलिंग। अब मैकेनाइज बैटरी हैंडलिंग में क्या होगा कि आपने जब बैटरी को हैंडल करना है, अगर बैटरी ओवरलोडेड सॉरी का लोड ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, जो बैटरी है अगर वो आपकी ज्यादा भारी है तो उसमें आप मैनुअल हैंडलिंग को अवॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैकेनिकली आप इसको लिफ्ट करें, लोअर करें, ताकि कोई भी किसी भी तरह की बैक पेन वगैरह ना हो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आपने खास ख्याल रखना है। इंसुलेटेड टूल्स आप यूज करें। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए जो टूल्स या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है उसको हम सूटेबल नहीं कह सकते, उसको हम हमेशा इंसुलेटेड टूल्स कहेंगे। जिस तरह आपने अक्सर देखा है कि आप एक प्लास जब यूज करते हैं तो उस प्लास की बैक साइड पे जहां से हैंडल होता है, जहां से पकड़ते हैं, वहां पर रबर होता है। रबर क्या है कि वो उसको रोकता है कि किसी भी तरह उसमें से करंट ट्रांसफर ना हो। उसके बाद आते हैं ग्लव्स, कि आपके ग्लव्स जो हैं वो आपने पहने हो हर वक्त, ताकि किसी भी तरह का आपका इलेक्ट्रिक शॉक आपको ना लगे। डीजल पावर ट्रक, वो तो अब बैटरी पावर, अब ये था डीजल पावर। डीजल पावर मतलब कि ऐसे फोर्क्लिफ्ट ट्रक जिनमें एनर्जी सोर्स के तौर पर आपके डीजल को यूज किया जाए। डर्मेटाइटिस फ्रॉम द डीजल, ये डर्मेटाइटिस एक ऐसी आपकी स्किन आप कह सकते हैं कंडीशन हो जाती है जिसमें जब ये डीजल पेट्रोल वगैरह गिरता है तो आपकी स्किन जो है वो बाहर से क्या होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स आने लग जाते हैं, और ये आपकी जो है रिपेयर हो सकते हैं अगर प्रॉपर मेडिकेशन की जाए। स्लिप हैजर्ड, जाहिर बात है ऑयली सरफेस होगी तो गिरने का अंदेशा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम लार्ज स्पिल्स, टॉक्सिक एग्जॉस्ट फ्यूम, बल्क स्टोरेज ऑफ डीजल, ज्यादा स्टोरेज ऑफ डीजल की करेंगे तो ये भी एक अंदेशा है टेम्परेचर की वजह से या दूसरे अनासर की वजह से। प्रिकॉशंस यूज इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, स्पिल किट्स मौजूद हों कि अगर ऐसी लीकेज होगी या स्पिल होगी है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। यूज ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग डीजल, जब भी डीजल को हैंडल कर रहे हैं तो ग्लव्स, ऐसा ना हो कि आपने इसी तरह विदाउट ग्लव्स उसको हैंडल किया तो उसका नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि जब आपने ग्लव्स के बगैर उसको डीजल को हैंडल करने की कोशिश की तो हुआ क्या कि आपके हाथ पे डीजल मौजूद था और आपने उसी से स्मोकिंग कोशिश की तो सारा हाथ वगैरह जल गया या कोई भी आपको आग लग सकती है। अब जो हम टाइप इसकी फोकलिफ्ट ट्रक्स की डिस्कस करने लगे हैं, बेसिकली ये टाइप इसकी जो है ये उसके जो एनर्जी सोर्स वो ले रहा है चलने के लिए फोकलिफ्ट ट्रक, इसको नॉर्मली FLT के नाम से जाना जाता है। तो अब आ गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम LPG पावर ट्रक। पहली तो बात यह कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम होती क्या चीज है, तो याद रखिएगा एक तो होगी नेचुरल गैस, एक होती है CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, एक होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होती है कि जब नेचुरल गैस को -162 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, जब -162 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाती है, उसको उस टाइम पे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, LPG बोलते हैं। इसकी इसकी जरूरत क्यों पेश आती है या इसकी इफादियत क्या है, तो LPG का फायदा ये होता है कि ये CNG या नेचुरल गैस की निस्बत आपकी कम स्पेस लेती है स्टोरेज के दौरान। फॉर एग्जाम्पल जहां पे आप नेचुरल गैस स्टोर कर रहे हैं तो वहां पे नेचुरल गैस बहुत ज्यादा अगर स्पेस ले रही है
ठीक है, तो ऐसी सूरत में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बहुत कम स्पेस में बहुत ज्यादा स्टोर हो जाती है। इसके हैजर्स डिस्कस करते हैं जी। एक्सप्लोजन रिस्क फ्रॉम एलपीजी अंडरस्टूड है, गैस है, ब्लास्ट कर सकती है, टॉक्सिक एग्जॉस्ट फ्यूम, फिर इसके शोले बड़े खतरनाक हैं, मैनुअल हैंडलिंग, स्टोरेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स आर बल्क। अब एलपीजी सिलेंडर को आपने ऑक्सीजन सिलेंडर से अलग रखना है, फिर इनकी हैंडलिंग को आपने देखना है कि ऐसा ना हो कि सिलेंडर वगैरह की कैप वगैरह खुली रह जाए, इस तरह के मसाइल इसके साथ मौजूद है। प्रिकॉशंस क्या है, यूज इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज, मैकेनाइज एलपीजी सिलेंडर हैंडलिंग, स्टोर स्पेयर सिलेंडर इन अ सिक्योर, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर अलग होंगे, एलपीजी सिलेंडर अलग होंगे, और गैसेस के सिलेंडर मौजूद है तो वो अलग से आपने रखने हैं। सिक्योर सेफ वेन वेल वेंटिलेटेड लोकेशन। देन हमारे पास इसके अंदर आता है लिफ्ट हैंड हॉइस्ट। अब लिफ्ट एंड हॉइस्ट है क्या चीज? तो लिफ्ट तो किसी भी चीज को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो हॉइस्ट भी किसी भी ऐसे आले को जो मावन साबित हो, जो मददगार साबित हो किसी लोड को उठाने के लिए, किसी इंडिविजुअल को उठाने के लिए, तो उसको हम हॉइस्ट बोलेंगे। तो लिफ्ट एंड हॉइस्ट, हॉइस्ट और लिफ्ट जो है ये बेसिकली परमानेंट भी होती हैं, जैसे बिल्डिंग्स के अंदर आप देखते हैं उनके स्ट्रक्चर के साथ होती हैं, और कई जगहों पर ये टेम्पररी भी होती हैं सिर्फ उस जॉब एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। हैजर्ड्स क्या है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इसमें से ऑब्जेक्ट गिर सकते हैं, बीन स्ट्रक बाय द लोड, लोड से टकरा सकते हैं, इंटेंगलमेंट इन मूविंग पार्ट, फॉल फ्रॉम हाइट, बींग स्ट्रक वाइल राइडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द लिफ्ट बाय लैंडिंग लेवल्स, आपके को नहीं पता चला, आप उसे टकरा के उलझ के गिर गए, पार्ट्स ऑफ एनी इंक्लोयर, कोई भी ऐसा हिस्सा इसका हॉइस्ट का या लिफ्ट का जिससे आपका टकराव हो सकता है, अदर प्रोजेक्शन भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े थे, आप वेट कर रहे थे, लेकिन आप वो जो हॉइस्ट था वो आप या लिफ्ट थी वो आप एम किसी जगह पे कर रहे थे और वो किसी जगह पे लैंड कर गया, तो ऐसी सूरत में भी आपको इससे स्ट्रक हैजर्ड जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर लिफ्ट एंड हॉइस्ट की प्रिकॉशंस क्या है, हमारे पास हैजर्ड से समझ आ गया, प्रिकॉशन क्या है, सुइटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, जिस मकसद के लिए बनाया गया है इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करें। अगर वो पर्सन हॉइस्ट है तो इक्विपमेंट मत लेके जाए, अगर इक्विपमेंट हॉइस्ट है तो फिर पर्सन उसके अंदर नहीं जाएंगे। प्रिवेंटिंग पीपल गेटिंग अंडर नीथ द हॉइस्ट आर लिफ्ट प्लेटफॉर्म, उसके नीचे नहीं आना, कुचला जा सकता है। एक्सेस टू एन अनप्रोटेक्टेड लैंडिंग एज, कोई भी ऐसा अनप्रोटेक्टेड लैंडिंग एज है कि जिस जगह से टकराने के बाद गिर सकता है या किसी और तरह की इंजरी हो सकती है, तो वो आपने देखना है। स्ट्रक बाय लैंडिंग आर अदर ऑब्स्ट्रक्शन वेन बींग कैरिड ऑन द प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड, जो सेफ वर्किंग लोड है उसको आप देखेंगे कि मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड जब हो गया तो उसको आप एक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि सेफ वर्किंग लोड SWL को आपने हर सूरत मलूजे खातिर रखना है, हर सूरत जहन में रखना है जब भी आप लिफ्ट या हॉइस्ट को यूज करें। सेफ्टी डिवाइसेस हो, ब्रेक्स वर्किंग, कंपिटेंट ऑपरेटर इसके साथ लाजमन होना चाहिए कि जो इसकी जो ऑपरेशन है उसको स्मूथली परफॉर्म करे। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग उन लोगों को, उन वर्कर्स को देनी चाहिए जिनका डेली बेस पे यूज है, या डेली पे ना भी हो, अगर कभी कभी भी यूज कर रहे हैं तो उनको यूज से पहले लाजमन इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए कि ये जो लिफ्ट या हॉइस्ट है इसकी नेचर क्या है, पर्पज क्या है, और इसकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी क्या है। रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन इंस्पेक्शन एंड थॉरो एग्जामिनेशन। कन्वेयर्स हैजर्ड्स, ड्राइंग इन हैजर्ड्स एट इन रनिंग निप पॉइंट। अब ये कन्वेयर्स बेसिकली बेल्ट्स को बोलते हैं, इसकी सबसे आम एग्जांपल आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स के ऊपर, जब आप चेक इन या चेक आउट होते हैं तो उस दौरान आप देखते हैं कि एक बेल्ट कन्वेयर मूव कर रहा होता है जिसके ऊपर आपके लगेज बैग आते हैं, और आप अपनी आपके सामने गुजरने पे आप अपना जो लगेज है या बैग वगैरह वो आप पिक कर लेते हैं। इसी तरह ये कन्वेयर्स बेसिकली यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादातर, अदरवाइज पैकिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी होते हैं, लेकिन इसकी आम एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आपने मटीरियल कंक्रीट वगैरह बनाना है, उसके बाद वो किसी बेसमेंट में फेंकना है, तो आप इंडिविजुअल उतरेंगे, जाएंगे, आएंगे, उसमें भी प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में ऐसे जो पिक्चर में नजर आ रहे हैं ऐसे कन्वेयर्स बेल्ट यूज होते हैं। और ड्राइंग इन हैजर्ड या इन रनिंग निप का मतलब ये होता है कि इस बेल्ट के जो मूवमेंट हो रही होती है उस
आपकी जो व्हील्स हैं उसके और इस बेल्ट के दरमियान पे अगर आपका हाथ वगैरह आ जाता है या कोई और मटेरियल आ जाता है तो वो आपके प्रॉब्लम है. इंटेंगलमेंट विद रोटेटिंग पार्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पेशली फ्रॉम अवर अवर हेड कन्वेयर. अवर हेड कन्वेयर क्या होगा कि आप नीचे काम कर रहे हैं और कन्वेयर बेल्ट आपकी ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऐसी सूरत में फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का भी अंदेशा मौजूद है. अब कन्वेयर्स के साथ प्रिकॉशंस क्या होंगी, इन कन्वेयर बेल्ट्स के साथ हम प्रिकॉशंस क्या लेंगे. अलार्म्स टू वार्न और स्टार्ट अ मूवमेंट, जैसे ही कन्वेयर चलने लगे तो इसके साथ अलार्म होना चाहिए जो इंडिकेट कर दे, जो निशानदेही कर दे, वार्न कर दे कि अब ये स्टार्ट होने लगा है तो आप इसके जो जो इसका ऑपरेटिंग एरिया है, वर्किंग एरिया है, उससे को क्लियर कर दिया जाए, वहां पे इवन कोई वर्कर भी मौजूद ना हो. गार्ड्स ऑन मूविंग पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स जिनमें ड्राइंग इन का प्रॉब्लम है, निपिंग का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पार्ट्स को हम गार्ड कर लेंगे, कवर कर लेंगे, शील्ड कर लेंगे, ताकि इंटेंडेडली या अनइंटेंडेडली वहां पे उसके अंदर हाथ वगैरह आपका ना आए. इमरजेंसी स्टॉप पुल कार्ड्स, अगर आप देखते हैं कि गलती से ऐसे सूरत हाल में कुछ आ गया है या कोई प्रॉब्लम है उसके व्हील्स में या उसके मूविंग पार्ट्स में, तो इमरजेंसी स्टॉप बटन होना चाहिए जो विद इन सेकेंड उसको जितना जल्दी हो सके उसको रोके. एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम एरिया, लोगों को आप अलग कर देंगे, वहां से निकाल देंगे जब कन्वेयर आपका मूवमेंट कर रहा होगा. गार्ड्स बीनीथ अवर हेड कन्वेयर्स टू कैच फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गार्ड्स लगे हों जो ऊपर से गिरने वाले मटेरियल को वहीं पे कैच कर लें और डायरेक्टली जमीन पे आने से रोकें, ताकि अगर मजबूरन किसी भी वजह से एक्टिविटी परफॉर्म करना लाजमी और वर्कर मौजूद हैं तो वो लोग सेफ एंड सिक्योर हैं. इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम ऑपरेटर, नो लूज क्लॉथिंग, लॉन्ग हेयर, ज्वेलरी, ताकि कोई भी चीज आपकी उलझ ना जाए. इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, डिफेक्ट रिपोर्टिंग, अगर कन्वेयर में किसी भी तरह का मैकेनिकल फेलियर आ गया है या कोई और डिफेक्ट आ गया है तो ऐसी सूरत में आप फौरन से उसको रिपोर्ट करेंगे ताकि उसकी रिपेयर वर्क या मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म किया जा सके. अच्छा जी, ग्रुप एक्सरसाइज आ गई है, तो ग्रुप एक्सरसाइज टेक्निकली हम आगे डिस्कस भी करेंगे. तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड गो रॉन्ग विद द मोबाइल क्रेन ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, के मोबाइल क्रेन के साथ क्या चीज गलत हो सकती है उसके ऑपरेशन के दौरान. ट्राई टू एक्सप्लेन वाई, और हम ये भी बताएंगे कि वो क्या हैजर्ड्स हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और उनकी प्रिकॉशंस क्या हैं. क्रेन्स के हैजर्ड्स क्या हैं. द क्रेन कोलैप्सिंग आर टॉपलिंग ओवर, क्रेन जो है वो कोलैप्स कर जाए, मतलब काम करते करते वो बैठ जाए, उसका स्ट्रक्चर बैठ जाए, उसका रेडियाई आर्म जिप बैठ जाए, टॉपलिंग ओवर या उलट जाए लोड की वजह से, लोड उठाते उठाते बैलेंस ना रख सके, इनफॉर्म आपके ग्राउंड लेवल होने की वजह से वो किसी भी तरफ गिर सकती है. दी आर्म बूम और जिप स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चर, आर्म बूम और जिप जो है वो स्ट्रक्चर को स्ट्राइक करे, फॉलिंग लोड, लोड गिर सकता है. द लोड स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट आर पीपल, कॉन्टेक्ट विद लाइव ओवर हेड केबल, ऊपर से गुजरते हुए जो तारे वगैरह हैं, बिजली की तारे हैं या उसके अलावा लाजमी नहीं बिजली की और भी किसी सर्विस की अगर वायर्स हैं, तारे हैं, तो वो अगर कॉन्टेक्ट होगा तो ऐसी सूरत में करंट या इस तरह की चीजें मौजूद हैं. फैक्टर्स कॉजिंग इंस्टेबिलिटी, अब वो कौन से अनासिर हैं जो एक क्रेन को इंस्टेबल करते हैं, जिनकी वजह से क्रेन लोड उठाते हुए स्टेबल नहीं रहती और टॉपल ओवर या कोलैप्स कर जाती है. ओवरलोडिंग, जरूरत से ज्यादा क्रेन की कैपेसिटी से सेफ वर्किंग लोड जो था उससे ज्यादा उसने उठा लिया. अनइवन और अनस्टेबल ग्राउंड, आपके ऐसी नामवार जगह जहां पे क्रेन खड़ी है, नॉट यूजिंग आउटरिगर करेक्टली, जो आउटरिगर्स हैं उनको प्रॉपरली यूज नहीं किया गया, मतलब के आउटरिगर्स मौजूद हैं बावजूद इसके कि टायर्स के ऊपर काम किया जा रहा है, या आउटरिगर्स अनइवन सरफेस पे हैं कि एक आउटरिगर ऑलरेडी इन एयर है, तो ऐसी सूरत में भी आपका कोलैप्स हो सकता है. यूज इन हाई विंड्स, हाई विंड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि लोड की जो एयर प्रेशर की वजह से आपका लोड जो है वो स्टेबल नहीं रहता, तो सिर्फ लोड क्या इवन आपकी जो क्रेन है वो भी कोलैप्स कर सकती है. एक्सटेंडिंग द जिब और बूम टू फार, बहुत ज्यादा आपने जिब या बूम दूर ले गए अपनी रीच से तो ये भी प्रॉब्लम है. देन स्ट्रक्चरल फेलियर, स्ट्रक्चरल फेलियर में क्या होता है कि आपकी जो क्रेन है जब इसके ऊपर लोड पड़ा तो लोड पड़ने की वजह से इसकी जो रेडियाई आर्म है
जिसने उसके एक्सटेंड होना होता है, तो वही उसका पार्ट जो है वो कोलैप्स कर गया है, और जिसकी वजह से आपकी जो क्रेन है वो टॉपल ओवर कर गई है या कोलैप्स कर गई है। तो ये वो मेन अनासिर हैं, वो रीजंस हैं जिनकी वजह से एक क्रेन जो है इनस्टेबल होती है वर्कप्लेस के अंदर। रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, हमने हैजर्ड डिस्कस किए और रीजंस फैक्टर्स डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। जनरल रिक्वायरमेंट, सुइटेबल फॉर द टास्क एंड अप्रोप्रिएटली रेटेड, इक्विपमेंट स्टेबल एंड सिक्योर, विजिबली मार्क विद सेफ वर्किंग लोड, SWLG क्लियरली मेंशनड हो, ताकि पता हो कि अमूमी तौर पे आपको जनरल रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन मालूम हो कि ये क्रेन इतने टन वेट उठा सकती है, तो इससे हमने इतने टन ही वेट उठवाना है। देन लिफ्टिंग ऑपरेशंस प्लांट कैरिड आउट एंड सुपरवाइज बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, लिफ्टिंग ऑपरेशन जितने भी हैं वो कॉम्पिटेंट पर्सन करेंगे। इक्विपमेंट फॉर लिफ्टिंग पर्सन में रिक्वायर एडिशनल इंस्पेक्शन, अंडरस्टूड है, जो ऐसी इक्विपमेंट जो यूज होगी लोगों को, इंसानों को उठाने के लिए, उसको इंस्पेक्शन की, उसको मेंटेनेंस की, उसको इंस्पेक्शन चेक की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत आप जो इक्विपमेंट वगैरह के लिए करेंगे। देन हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। अब वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं हमारे पास, अब इसमें आता है प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग द लिफ्ट। अब जब आपने सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन करना है, जब आपने लोड को उठाना है, तो ऐसी सूरत में पूरा उसका लोड प्लान बनता है, जिसको हम लोड प्लान बोलते हैं, कि जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमने इस लोड को उठाना है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, किस तरह से इक्विपमेंट को यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसके लिए हमेशा लिफ्टिंग प्लान बनता है आपका। रिस्क असेसमेंट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन वही होगा जिसको एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग की है, नॉलेज है, और वो क्वालिफाइड है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। चेक क्रेन टेस्ट रिकॉर्ड, के क्रेन को कितनी बार इंस्पेक्ट किया गया और उसके टेस्ट रिकॉर्ड से क्या चीज सामने आई। ट्रेंड ऑपरेटर्स, करेक्ट टाइप फॉर द जॉब एंड टेरन, उसके लिए जो क्रेन आप यूज कर रहे हैं वो उस जॉब की नोयत से या उस रस्ते पे या उस तरीके के लिए या जिस जगह पे इस्तेमाल होगी उसके लिए बिल्कुल दुरुस्त किस्म होनी चाहिए क्रेन की, ताकि आपका किसी भी तरह का जो है वो फेलियर ना हो। लोड विद इन सेफ लिफ्टिंग कैपेसिटी, आपने सेफ वर्किंग लोड को सामने रखते हुए लोड को उठाना है। देन कैरिंग आउट द लिफ्ट, वो तो था प्रिपरेशन कि आपने उठाना है तो लिफ्टिंग प्लान पहने देना है। अब जब कैरिंग आउट द लिफ्ट, जब आप कैरिंग लिफ्ट को उठा रहे हैं, जब परफॉर्म कर रहे हैं लिफ्टिंग ऑपरेशन, देन केयरफुल साइटिंग, यूज आउटरिगर्स करेक्टली, प्लान एंड सुपरवाइज लिफ्ट, बैंक्समैन सिग्नल। बैंक्समैन सिग्नल वो होते हैं जो किसी भी क्रेन के साथ लोड के दौरान आपने अक्सर देखा होगा, हेल्पर के तौर पे सिग्नल मैन होते हैं, जिनके डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं जिनकी मदद से आपके ऑपरेटर को पता चलता है कि मैंने लोड लोअर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, कैसे। तो ये इसके हवाले से हमारा पूरा जो रिगर का जो कोर्स है वो मौजूद है, उसके लेक्चर्स मौजूद हैं, वो आप स्टडी कर सकते हैं, उसको काफ़ी उसमें आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कि एक रिगर कैसे परफॉर्म करता है, एक बैंक्समैन कैसे, सिग्नल मैन कैसे परफॉर्म करता है, कैसे लोड कैलकुलेशन में वो हेल्प आउट करता है। ओवरलोड इंडिकेटर्स वर्क, चेक वेदर कंडीशंस, मतलब आपकी हाई विंड्स तो नहीं है, एयर प्रेशर तो नहीं है, यूज PPE, हार्ड हैट्स, ग्लव्स, हाई विजिबिलिटी बूट्स, वार्निंग साइंस हो, अटैच स्लिंग्स केयरफुली, रस्से वगैरह उसके साथ प्रॉपरली आपने बंधे, और रोप्स वगैरह, इसके लिए प्रॉपर रिगर वहां पे मौजूद होता है जो ये सारी चीजें डिसाइड कर रहा होता है और देख रहा होता है। कैरी आउट अ टेस्ट लिफ्ट, टेस्ट लिफ्ट आप इसलिए करेंगे कि आप देखेंगे थोड़ा सा लोड उठा के कि जी ये हम ऑपरेट कर सकते हैं इसको प्रॉपरली या के नहीं। गाइड यूजिंग टैग लाइन्स, और टैग लाइन्स की मदद से हम इसको पूरी तरह से गाइड करेंगे
ताकि एरिया भी कवर हो, एरिया भी बैरिकेट हो, दूर से पता चल जाए यहाँ पे लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो उसका जितना एरिया उसके अंदर आ रहा है लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान, तो उसको क्लियर किया जाए और वहाँ पर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना रखा जाए। अब जी रिक्वायरमेंट स्टेचुरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट। अब ये जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है इसमें आपने इंस्पेक्शन का करनी है, आपका एग्जामिनेशन क्या होगा, एक लॉ आपसे क्या रिक्वायर्ड करता है, जिस तरह हमने आयनाइजिंग रेडिएशन, जिस तरह हमने सेफ वर्किंग लोड, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जिस तरह हमने इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर लॉज और रेगुलेशन डिस्कस किए, जिस तरह हमने रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीजेस रेड और रेगुलेशंस को डिस्कस किया, तो इसी तरह लिफ्टिंग इक्विपमेंट के हवाले से भी हमारे पास रेगुलेशंस मौजूद है, जिसको नॉर्मली हम जानते हैं लोलर 1998 के नाम से, और ये यूरोपियन यूनियन या यूके का है। तो इसमें क्या है, ये लोलर स्टैंड्स फॉर लिफ्टिंग ऑपरेशंस एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट रेगुलेशंस 1998। इसके तहत थॉरो एग्जामिनेशन लाजमी है, किस किस टाइम पे, किस किस टाइम पे और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। बाय लॉ हमें ये चीजें पता चलती हैं लोलर 1998 से। थॉरो एग्जामिनेशन बिफोर इट इज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पीरियोडिकली वो आप डिसाइड कर लें, 1 डे 2 डे 5 डेज 15 डेज, जो भी आपने एक्टिविटी, ये नेचर ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आफ्टर एन इवेंट डेट मे हैव अफेक्टेड इट्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें इसकी स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी आप समझते हैं कि मुतासिर हुई है, तो आपको एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन लाजमी करवानी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉरो एग्जामिनेशन एवरी 12 मंथ्स, वेयर नॉट चूज टू कैरी पीपल, जब लोगों को नहीं उठाएगी तो 12 मंथ्स के बाद आपने एवरेज, मतलब आपने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये बात हो रही है, एवरी 6 मंथ वेयर यूज टू कैरी पीपल, जब लोगों को उठाएगी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ लिफ्टिंग एसेसरी बाय अ कॉम्पिटेंट इंजीनियर, और 6 मंथ के बाद ही होगी जब वो एसेसरीज या कोई ऐसी चीज उठा रही है। लेकिन एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन जब भी कॉम्पिटेंट पर्सन को लगता है कि यहाँ पे जो एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, उस एक्टिविटी में इसकी स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी के ऊपर असर पड़ा है, तो ऐसी सूरत में वो किसी भी टाइम पे आपकी जो एग्जामिनेशन है या इंस्पेक्शन कर सकता है किसी भी दूसरी एक्टिविटी से पहले। तो ये था हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया इसके अंदर, कि हमारे पास हैंडलिंग एड्स क्या हैं, कि वो चाहे मैकेनिकली हो, चाहे वो मैनुअल हैंडलिंग में आए, चाहे वो पावर ड्रिवन हो, तो वो क्या क्या थी हमने इस टॉपिक के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब एंड ऑफ द सेक्शन जो है, एंड ऑफ द टॉपिक जो है, ये इस एलिमेंट 6 का मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ का लास्ट टॉपिक था, और इसके अंदर हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया ये कुछ लेंथी लेक्चर है, इसलिए आपने शुरू से आखिर तक इस लेक्चर को देखना है, और आपके करने का काम मेरे सामने आ चुका है, वो ये है कि आपने इसके ऊपर असाइनमेंट बना के मुझे सेंड करनी है। असाइनमेंट किस चीज़ की, व्हाट आर द पोटेंशियल हैजर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ मैनुअल पैलेट ट्रक टू मूव अ हैवी लोड, कि मैनुअल पैलेट ट्रक है उससे अगर आपने हैवी लोड जो है वो मूव करना है, वो हैंडल करना है, तो ऐसी सूरत में आपने किस तरह से, उसके अंदर क्या हैजर्ड्स आपके सामने आ सकते हैं। इधर तो सिर्फ हैजर्ड्स की बात हुई है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उसके कंट्रोल मेजर्स भी लिख के मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं उसके ऊपर कमेंट्स दे सकूं, उसके ऊपर सजेशन दे सकूं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।